अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू विल बी फाइन। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप गूगल से किस तरीके से फ्री में इमेजेस डाउनलोड करके उनको आप अपने मुख्तलिफ मकासद के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, याद रखें, डायरेक्टली आप कोई भी गूगल से इमेज उठाएंगे और उसको यूज़ करेंगे तो वो आपका जो जिधर भी यूज़ करेंगे, आपका कोई वीडियो बना रहे हैं उसके अंदर आप उन इमेजेस को यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप अपनी वेबसाइट है, ब्लॉग है, उस पे आप उन इमेज को डायरेक्टली पोस्ट करते हैं, तो वो जो है ना कॉपी जो है तो वो कॉपीराइट तसव्वुर होगा। तो इसलिए आपको चाहिए कि या कोई ओरिजिनल इमेजेस यूज़ करें, और अगर ओरिजिनल इमेज आपके पास नहीं है तो मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताता हूँ कि इस तरीके की मदद से आप कोई भी इमेज जो है वो गूगल से लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने गूगल के अंदर जाना है और यहाँ पर आपने लिखना है, मिसाल के तौर पर मुझे मोबाइल्स की इमेज चाहिए, तो यहाँ पर आपने लिखना है, टाइप करना है क्या जी, मोबाइल मोबाइल, ठीक, मोबाइल, और आगे आपने कॉलन डालना है और कॉलन के बाद आपने लिखना है पब्लिक डोमेन, पब्लिक डोमेन। तो इस तरीके से आप जब सर्च करेंगे कोई भी इमेज तो आप इनमें से कोई इमेज जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये जितनी इमेजेस हैं ये बिल्कुल फ्री में हैं और इन इमेज में से आप कोई यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर, या फिर आप इन इमेजेस को मिलाकर कुछ लोग जो वीडियोस वगैरह बना रहे होते हैं। तो याद रखना कि यहाँ पर जो है कॉलन, ये कॉलन लगा के पब्लिक डोमेन का वर्ड जब ऐड करेंगे तो आप किसी भी इमेज को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।